वैसे तो आपने अलवर की बहुत सारी टिकिया खा रखी होगी, पर जो से टिके आज मैं आपको दिखाऊंगा ये टिके अलवर के सबसे फेमस टिके हैं। इस शॉप का नाम है टोपी वाला गोलगप्पा। आप कभी भी आकर के काला कुआ के पास नया बस सर्कल पे आप कभी भी खा सकते हैं। इनका शॉप खोलने का टाइम है 5 से लेकर 10 बजे तक का। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टिके अच्छी लगी या नहीं। कुछ भी बोल सकते हैं आप। नया बास मोदी डूंगरी रोड, ये बात। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? विराज प्रसाद। विराज में तो कितना वक्त हो गया आपकी शॉप को? 15-16 साल। 15-16 साल। ये देखिए इनके फेमस है पूरा अलवर की टिक्की यहाँ पे। आज ट्राई करते हैं अपन, देखते हैं कैसी है। अंकल जी आपकी एक दिन में कितनी टिक्की बिक जाती होगी? 100-100 पर डे की। और आप आपके टाइमिंग क्या है खोलने की? 5 से 10 तक। अगर किसी को भी कार में आना हो यहाँ पे तो 5 से 10 तक का टाइम है। फुल फैमिली के साथ आ सकते हो और किसी के साथ भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंकल पूछने वाले नहीं है किसके साथ आए हो। अपनी पकड़ी लगा ला ली। अंकल जी क्या क्या डाल रहे हो इसके अंदर? छोला, दही चटनी। अच्छा अच्छा, ये अपना छोले आ गए इसमें। अपनी मिर्ची चटनी, प्यारी चटनी। दही डालना है? दही डाल दीजिए। मिर्चा बदल हो गया। ये अपनी आ चुके है गर्मा गर्म छोले टिक्की। तो चलिए चम्मच लेना भूल जाए। आज मैं खिलाता हूँ अलवर के सबसे फेमस छोले टिकिया, इनका है टोपी वाले के नाम से। ये है नया बस सर्किल पे, पीछे देखो ना मोदी डूंगरी भैया, वो अलवर का टॉपेस्ट पॉइंट है। आप कभी भी चले जाओ मोदी डूंगरी पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो वो तो हो गई बात की बात, अब खाते हैं अपन अलवर की सबसे फेमस टिकिया। ज़्यादा नहीं है, 30 रुपये है नॉर्मल रेट है, हर कोई अच्छा कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, हर कोई खा सकता है। तो चलो पहले अपन बाइट लेते हैं इसके अंदर। भैया ने जो चीज़ें डाली मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, चख के देखते हैं। अल्टीमेट स्वाद है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मैं खुद बहुत वक्त बाद खा रहा हूँ टिकिया। अगर रेटिंग दे रहे हो ना अलवर में टिकिया की, 10 out of 9 दूंगा मैं इसको रेटिंग, बहुत अच्छी है, सारे एकदम गर्मा गर्म शानदार।